अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एबी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों एफएम व्हाट्सएप की न्यू अपडेट आ चुकी है। इस अपडेट में क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं और इसको आपने कैसे अपडेट करना है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपके सामने अपडेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आपने इन तीन डॉट्स पर क्लिक करना है। तीन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद एफएम मोड्स में चले जाएँ। एफएम मोड्स में जाने के बाद ये नीचे आपको अपडेट्स नज़र आ रही होगी। अपडेट पे क्लिक करें और नंबर वन पे है जो चेक फॉर अपडेट्स, इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एफएम की वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट के बाद ये दोबारा ऊपर से चलेगा तो आपने इसको स्किप कर देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो एफएम व्हाट्सएप में ये नए नए ऐड चलेंगे, तो आपने ऐड नहीं देखने बल्कि इसको अपडेट करना है। तो यहाँ हम नीचे आ जाते हैं और अपडेट देखते हैं कि हमारी कौन सी अपडेट नई आई है और हमने कैसे इंस्टॉल करनी है। तो आप देख लें, ये जो नंबर वन पे है फाउड व्हाट्सएप, आपने ये नहीं करनी, बल्कि नंबर टू पे है एफएम व्हाट्सएप और इसका वर्जन है 9.29। तो हमने यही जो नया वर्जन है यही अपडेट करना है। तो यहाँ हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पर क्लिक कर देने के बाद आपने दोबारा ये देखें, आप दोबारा ऐड आ गए हैं। तो हम फिर बैक करते हैं, इसलिए यहाँ आप हम दोबारा यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद दोबारा हमने यहाँ से जल्दी से स्किप करना है। ऐसे स्किप करेंगे तो अब हम यहाँ से नीचे इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको स्किप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा जहाँ से आपने इसको अपडेट करना है। तो यहाँ हमने दोबारा इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है एफएम व्हाट्सएप 9.29। तो हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है जी, जाके डाउनलोड्स में चेक कर लेना है कि ये डाउनलोड हो रहा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ये 52 MB का है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो हम चंद सेकंड वेट कर लेते हैं और इसे डाउनलोड होने लेने देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जिस तरह मैं आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ, तो ये नहीं कि ये सिर्फ इसी बार इसी वर्जन को इस तरह आपने अपडेट करना है। जब भी एफएम व्हाट्सएप की नई अपडेट आए तो आपने इसी तरह से इसको अपडेट करना होता है। तो चलें जी, ये हमारा अपडेट हो चुका है, तकरीबन 1 से 2 MB रह चुका है। तो जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है तो हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम अब इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं जी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद हमें ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, हमने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हम दोबारा से अपने व्हाट्सएप को ओपन करके चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और ये किस तरह से अपडेट नई हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। जी हाँ, ये व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं और दोबारा हम जाते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। ओपन कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं जी, चेंज लॉग, यानी कि ये जो चीज़ें आई हैं ये इसमें न्यू आई हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप अपना व्हाट्सएप अपडेट करके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम क्लोज पर क्लिक कर देते हैं और हमारा व्हाट्सएप अपडेट हो चुका है। अगर आप दोबारा चेक करना चाहें तो आपने दोबारा उसी अपडेट में जाकर चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है। तो ये क्या कहेगा जी, अपडेट्स, चेक फॉर अपडेट्स, योर वर्जन इज़ अप टू डेट। आई होप आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।